शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जितने भी ट्राइडीज हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2, वो सब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो लिंक है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है, आप यहाँ से इस चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम ट्राइडीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 109 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो नीचे जो डेटा गिवन है इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के चिल्ड्रन का परसेंटेज फाइंड करना है। देखिए क्या डेटा गिवन है, यहाँ पे हाइट गिवन है, चिल्ड्रन की हाइट 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर एंड 130 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखिए 22 चिल्ड्रन की हाइट 110 सेंटीमीटर है, 25 चिल्ड्रन की हाइट 120 सेंटीमीटर है, 32 चिल्ड्रन की हाइट 128 सेंटीमीटर है, 21 चिल्ड्रन की हाइट 130 सेंटीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 100। इन सबको ऐड कर दीजिए, 22 25 32 21, तो टोटल चिल्ड्रन है 100। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में बताना है कि कितने चिल्ड्रन की हाइट 110 सेंटीमीटर है, कितने चिल्ड्रन की हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन। उसके बाद आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट चिल्ड्रन की हाइट 110 सेंटीमीटर है, कितने परसेंट चिल्ड्रन की हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए टोटल चिल्ड्रन है 100, टोटल चिल्ड्रन है 100। हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी यही होता है। अब देखिए यहां पे टोटल चिल्ड्रन है 100 और 22 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 22/100 डिजायर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, 100 चिल्ड्रन में से 22 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 22/100। अब यहाँ पे देखिए 100 में से 25 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25/100। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए 100 चिल्ड्रन में से 32 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट 128 सेंटीमीटर है, जिसका फ्रैक्शन क्या होगा, 32/100। ओके, देन उसके बाद 100 चिल्ड्रन में से 21 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 21/100। समझ में आया, ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इसको चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगाते हैं। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 22/22 ये आ गया कितना, 22%। उसी तरीके से जब आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 25/100 इंटू 100 करोगे और परसेंट का सिंबल लगाओगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 25%। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कराओगे और परसेंट का सिंबल लगाओगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 32% और यहाँ पे बचेगा 21%। ठीक है, सिमिलरली नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ शॉप हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ शू पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक शॉप पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के शू पेयर्स हैं। देखिए 20 नंबर ऑफ शू पेयर्स साइज 2 के हैं, 30 नंबर ऑफ शू पेयर्स साइज 3 के हैं, 28 नंबर ऑफ शू पेयर्स साइज 4 के हैं एंड 14 नंबर ऑफ शू पेयर्स साइज 5 के हैं एंड 8 नंबर ऑफ शू पेयर्स साइज 6 के हैं। राइट दिस इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। आपको इस इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म मीन्स टेबल की फॉर्म में लिखना है, एज डन अर्लियर, जैसा कि पहले हमने किया था, पहला मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच शू साइज अवेलेबल इन द शॉप। ठीक है, और शॉप पे जितने भी साइजेस के शूज अवेलेबल हैं उनका परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ शू गिवन है,
साइज 2, साइज 3, साइज 4, साइज 5 एंड साइज 6। देखिए 20 शू पेयर साइज 2 के हैं, 30 शू पेयर साइज 3 के हैं, 28 शू पेयर साइज 4 के हैं, 14 शू पेयर साइज 5 के हैं, 8 शू पेयर साइज 6 के हैं और टोटल शू पेयर कितने हैं 100। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। अब देखिए यहां पे टोटल शू पेयर्स है 100 शू पेयर्स में से 20 शू पेयर साइज 2 के हैं, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 20 अपॉन 100। अब यहां देखिए 100 शू पेयर्स में से 30 शू पेयर्स ऐसे हैं जो साइज 3 के हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 30 अपॉन 100। देन 100 शू पेयर्स में से 28 शू पेयर्स ऐसे हैं जिनका साइज 4 है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 28 अपॉन 100। देन उसके बाद 100 शू पेयर्स में से 14 शू पेयर्स ऐसे हैं जिनका साइज 5 है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 14 अपॉन 100। देन 100 शू पेयर्स में से 8 शू पेयर्स ऐसे हैं जिनका साइज 6 है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 8 अपॉन 100। ओके, अब इसको परसेंटेज में हम लोग चेंज करेंगे या फिर कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 20%। यहाँ पे भी 100 से 100 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 30%। यहाँ पे आएगा 28%, सिमिलरली यहाँ पे आएगा 14% और सिमिलरली यहाँ पे आएगा 8%। आप इसको टोटल करोगे तो टोटल 100% आना चाहिए, ठीक है। अगर टोटल 100% आ रहा है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो टोटल 100% आना चाहिए और फ्रैक्शन को जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 100, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 8 कितना आएगा, 100, ठीक है। सो 100 by 100 आएगा, क्या आएगा, 100 by 100 मीन्स 100 शू पेयर्स में से टोटल 100 शू पेयर्स की बात हम लोग कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दिस सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 110 एंड 111 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर्स इज गिवन। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स के 10 चिप्स का कलेक्शन गिवन है, ठीक है। टेबल बनी है, फिल द टेबल, इस टेबल को फिल करना है एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिप्स ऑफ ईच कलर, और हर एक कलर के चिप्स का परसेंटेज फाइंड करना है। देखिए ग्रीन कलर की चिप्स है, ब्लू कलर की चिप्स है और रेड कलर की चिप्स है। यहाँ पे गिवन है जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू और आर का मतलब रेड। ग्रीन कलर की 4 चिप्स हैं, ब्लू कलर की 3 चिप्स हैं और रेड कलर की 3 चिप्स हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर, तो चलिए नंबर यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। ग्रीन कलर की 4 चिप्स हैं, यहाँ लिखिए 4। ब्लू कलर की 3 चिप्स हैं, यहाँ लिखिए 3। और रेड कलर की 3 चिप्स हैं, यहाँ लिखिए 3। टोटल है 10 चिप्स। ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि टोटल 10 चिप्स है, आप काउंट भी कर सकते हो, 4 3 7 7 3 10। अब फ्रैक्शन में लिखना है, देखिए 10 चिप्स में से 4 चिप्स ग्रीन कलर की है तो फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 4 अपॉन 10। उसी तरीके से 10 चिप्स में से 3 चिप्स ब्लू कलर की है तो फ्रैक्शन होगा 3 अपॉन 10। 10 चिप्स में से 3 चिप्स रेड कलर की है तो फ्रैक्शन होगा 3 अपॉन 10। अब डिनोमिनेटर 100 बनाना है, तो डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए देखिए ये जो फ्रैक्शन है 4 अपॉन 10, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 40 अपॉन 100। इसका डिनोमिनेटर 100 बन गया। उसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 30 अपॉन 100। देन उसके बाद इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है तो सेम 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, कितना आएगा, 30 अपॉन 100। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं और परसेंट का सिंबल लगाते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 40%। सिमिलरली ये आएगा 30% और सिमिलरली ये आएगा कितना, 30%। आप इसको ऐड करोगे तो टोटल 100% आना चाहिए। अगर आपका टोटल 100% आ रहा है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कलर के चिप्स का परसेंटेज फाइंड करना था, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। 40% ग्रीन कलर की चिप्स है, 30% ब्लू कलर की चिप्स है, 30% रेड कलर की चिप्स है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, माला हैज अ कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। माला के पास बैंगल्स का कलेक्शन है। She has 20 gold bangles and 10 silver bangles. उसके पास 20 gold bangles हैं और 10 silver bangles हैं. What is the percentage of bangles of each type? आपको हर एक टाइप के bangles का percentage बताना है. Can you put it in tabular form? क्या आप इसको tabular form में लिख सकते हो? Means table के form में लिख सकते हो. As done in the above example. जैसा कि ऊपर example में दिया गया था. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे table बना ली है जैसा ऊपर example में था. यहाँ पे मैंने बैंगल्स लिखा है, गोल्ड और सिल्वर कलर के बैंगल्स हैं। यहाँ नंबर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 100 और इन परसेंटेज। चलिए अब टेबल को फिल करते हैं। गोल्ड कितने बैंगल्स हैं? 20, तो यहाँ लिखिए 20, और 10 सिल्वर बैंगल्स हैं, यहाँ लिखिए 10। टोटल कितने हैं? टोटल है 30 बैंगल्स। अब चलिए इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखिए टोटल है 30 बैंगल्स, 30 बैंगल्स में से 20 गोल्ड बैंगल्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन होगा 20/30। और इसका क्या फ्रैक्शन होगा? 30 बैंगल्स में से 10 बैंगल्स सिल्वर है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 10/30। अब चलिए डिनोमिनेटर 100 बनाते हैं, तो फ्रैक्शन है 20/30। ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 200 20 × 10 200/3 एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 100 बन गया। अब इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है, फ्रैक्शन है 10/30, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 10 × 10 = 100/3 डिवाइड बाय 100। तो मैंने दोनों का डिनोमिनेटर 100 बना दिया। अब इसको चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं और परसेंट का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/3 डिवाइड बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंट का सिंबल लगाइए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 200/3%। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 200 को 3 से डिवाइड करिए, 3 6 = 18, 2 = 20 हो गया, देन फिर से 3 6 = 18, 2 = रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आप लिख सकते हो, 66 whole 2/3%, 66 whole 2/3%। ओके, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 100/3/100। 100 से मल्टीप्लाई कराइए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, सो 100 से 100 कैंसिल, आया कितना? 100/3%। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। देखिए 100 को 3 से डिवाइड करिए, 3 3 = 9। ठीक है, फिर से 3 3 = 9, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 33 whole 1/3%, 33 whole 1/3%। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना परसेंट आएगा? टोटल 100% आएगा। टोटल 100% आना भी चाहिए। अगर टोटल करने पे 100% नहीं आ रहा है, मीन्स आपका आंसर गलत है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज 112 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंट्स। आपको इसे परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट में क्या गिवन है? 12/16, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि परसेंट का क्या मतलब होता है। परसेंट का सिंबल होता है ये, और इसका मतलब होता है 1/100, मीन्स 1 पार्ट टेकन आउट ऑफ 100। इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, परसेंट की जगह अगर आप 1/100 लिखोगे तो 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा 12/16। समझ में आया? तो किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 25 3 = 75%। ठीक है, तो 12/16 को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, कितना है? 75%। दिस इज द आंसर। अब बी पार्ट में है 3.5।
ठीक है, इसे भी परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3.5 को आप लिख सकते हो 35/10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 350%। दिस इज द आंसर। सी पार्ट, सी पार्ट में है 49/50, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 49 2 = 9 2 = 18, कैरी आया 1, 4 2 = 8, 8 1 = 9, ठीक है, 98%। दिस इज द आंसर। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में है 2/2, इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, 2 1 = 2, 2 1 = 2, कितना आ गया 100%। दिस इज द आंसर। ई पार्ट, 0.05, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/100 × 100% इज इक्वल्स टू, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 5%। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, 32 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो आपको एब्सेंट स्टूडेंट्स का परसेंट फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन लिखिए इसका, सॉल्यूशन, ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी हम वर्ड बेस्ड ही देंगे। सबसे पहले लिखिए टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 32, एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए एब्सेंट स्टूडेंट का, फ्रैक्शन ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 8, टोटल कितने हैं 32। ठीक है, टोटल 32 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो एब्सेंट स्टूडेंट का फ्रैक्शन क्या होगा 8/32। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो लिखिए यहां पे परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई कराइए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 1 = 8, 8 4 = 32, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 5 = 20, कितना आ गया 25%। ठीक है, तो 25% स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पार्ट, देयर आर 25 रेडियोज, 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर, 25 रेडियोज में से 16 रेडियोज आउट ऑफ ऑर्डर है, व्हाट परसेंट ऑफ रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो आपको आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज का परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, टोटल रेडियोज हैं, टोटल रेडियोज हैं 25, आउट ऑफ ऑर्डर कितने हैं, आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज इज इक्वल्स टू 16, सो फ्रैक्शन ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज, आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, क्या होगा आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज अपॉन टोटल रेडियोज। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज है 16 और टोटल रेडियोज है 25। अब परसेंटेज निकालते हैं,
परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज इज इक्वल्स टू 16/25 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 × 25, 25 × 4 = 100, 16 × 4 = 64%। दिस इज द आंसर। तो 64% रेडियोज आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट, अ शॉप हैज 500 आइटम्स, एक शॉप पर 500 आइटम्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। 500 आइटम्स में से 5 आइटम्स डिफेक्टिव हैं, व्हाट परसेंट आर डिफेक्टिव। आपको डिफेक्टिव आइटम्स का परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, टोटल आइटम्स कितने हैं? टोटल आइटम्स है 500, डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव आइटम्स 5 है, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा डिफेक्टिव आइटम्स अपॉन टोटल आइटम्स, ठीक है। डिफेक्टिव है 5 एंड टोटल आइटम्स है 500। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, तो डिफेक्टिव आइटम्स का फ्रैक्शन है 5/500, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, कितना आ गया 1%, ठीक है। तो उस शॉप पर सिर्फ 1% आइटम्स डिफेक्टिव है, दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ फोर्थ पार्ट, देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड यस। देखिए यहाँ पे यस और नो पर वोटिंग चल रही है, कुछ लोग यस पर वोट कर रहे हैं, कुछ लोग नो पर वोट कर रहे हैं। सपोज आपका क्लासरूम है, ठीक है, आपके क्लासरूम में एक स्टूडेंट है राम। अब आपकी क्लास टीचर बोलती है कि क्या राम को क्लास का मॉनिटर बनना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स राम के गुड फ्रेंड्स होंगे, राम को लाइक करते होंगे, वो बोलेंगे यस राम को मॉनिटर बनना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स राम के गुड फ्रेंड्स नहीं है, राम को लाइक नहीं करते हैं, वो नो पर वोटिंग करेंगे कि राम को मॉनिटर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो 120 वोटर्स में से 90 वोटर्स ने यस पर वोटिंग की, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट वोटर्स ने यस पर वोटिंग की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, टोटल वोटर्स इज इक्वल्स टू 120। अब कितने वोटर्स ने यस पर वोट किया? 90 ने, तो यहां पे लिखिए वोटर्स वोटेड यस इज इक्वल्स टू 90। सो फ्रैक्शन निकाल लीजिए कि कितने वोटर्स ने यस पर वोट किया है। फ्रैक्शन ऑफ वोटर्स वोटेड यस इज इक्वल्स टू वोटर्स वोटेड यस अपॉन टोटल वोटर्स इज इक्वल्स टू 90 वोटर्स ने यस पर वोट किया है और टोटल वोटर्स है 120, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ वोटर्स वोटेड यस इज इक्वल्स टू 90/120 × 100 और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 1 0, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 15 5 = 75%, दिस इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन।
तो 75% वोटर्स ने यस पर वोटिंग की थी। ठीक है, अब हम ट्राई दी सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 113 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 35% में क्या ऐड कर दें कि 100% के बराबर हो जाए। ठीक है, अभी मैं परसेंट हटा के लिख रही हूँ, 35 में क्या ऐड कर दें कि 100 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सपोज मैं 35 में एक्स ऐड कर रही हूँ, 35 में मैंने एक्स ऐड किया, ये 100 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, यहाँ पे है 100, ये 35 इस साइड आएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा, 100 में से 35 गया 65, तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई 65, तो यहाँ पे कितना होगा 65%, 35% में आप 65% ऐड करोगे तो 100% आएगा। अब यहाँ देखिए, ये है 64, अभी मैं परसेंट हटा के लिख रही हूँ, 64 प्लस 20 प्लस इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 100 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे मैं x ऐड कर रही हूँ, इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 84 प्लस x इज इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसफॉर्म करिए, यहाँ पे है 100, ये 84 इधर आएगा, निगेटिव में हो जाएगा, माइनस का 84। ठीक है, अब 100 में से 84 गया कितना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 16, तो यहाँ पे होगा क्या 16%। अब इसको देखिए, 45% इज इक्वल टू 100% माइनस व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परसेंट हटा के लिख रही हूँ, 45 इज इक्वल टू 100 माइनस व्हाट, इसको मैं x मान ले रही हूँ, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस का x है, इस साइड ले आइए, प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, 100, ये प्लस का 45, इस साइड ले आइए तो ये माइनस का 45 हो जाएगा, 100 में से 45 गया 55। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 55, यहाँ पे होगा 55%, 100% में से जब आप 55% माइनस करोगे तो कितना आएगा 45%। ठीक है, अब ये वाला देखिए, 70% इज इक्वल टू व्हाट माइनस 30%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परसेंट हटा के लिख रही हूँ, 70 इज इक्वल टू, इसको मैं x मान ले रही हूँ, x माइनस 30, x की वैल्यू निकालनी है, x को इस साइड में चाहिए, यहाँ है 70, ये माइनस का 30 इधर आएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, 70 प्लस 30 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, 100% में जब आप 30% माइनस करोगे तो 70% आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैव अ बाइसाइकिल, एक क्लास में अगर 65 स्टूडेंट्स के पास बाइसाइकिल है तो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव बाइसाइकिल्स, तो आपको बताना है कि उस क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसाइकिल्स नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी हम वर्ड बेस्ड ही देंगे। किसी भी चीज का टोटल परसेंट हम लोग 100% लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स होंगे 100%। अब कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसाइकिल है, 65%, यहाँ पे लिखिए परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बाइसाइकल्स इज इक्वल टू 65%। अब आपको फाइंड करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसाइकल्स नहीं है, तो लिखिए यहाँ पे परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाइसाइकल्स इज इक्वल टू, टोटल है 100%, 100% में से आप 65% माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा परसेंट ऑफ स्टूडेंट जिनके पास बाइसाइकिल नहीं है, तो 100 में से 65 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 35%। सो 35% स्टूडेंट्स के पास बाइसाइकल्स नहीं है, दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस एंड मैंगोज, हमारे पास एक बास्केट है जो एप्पल्स ऑरेंजेस एंड मैंगोज से भरा हुआ है, इफ 50% आर एप्पल्स 30% आर ऑरेंजेस देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज, अगर उस बास्केट में 50% एप्पल्स हैं 30% ऑरेंजेस हैं तो आपको बताना है कि मैंगोज का क्या परसेंट है।
ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज का टोटल परसेंट 100% लेते हैं। लिखिए यहाँ पे सोल्यूशन, ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी हम वर्ड बेस्ड ही देंगे। यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो टोटल फ्रूट्स इन द बास्केट हम लोग लेंगे 100%। लिखिए टोटल फ्रूट्स इन द बास्केट इज इक्वल्स टू 100%। अब उस बास्केट में 50% एप्पल्स है, लिखिए परसेंट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू 50% एंड परसेंट ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 30%। हमें बताना है परसेंट ऑफ मैंगोज हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो परसेंट ऑफ मैंगोज इज इक्वल्स टू होगा 100% में से आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो परसेंट ऑफ मैंगोज आ जाएगा, ठीक है। तो 100% माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 50% प्लस 30%, ओके। 100% माइनस 50 प्लस 30 80%, ठीक है। 100% में से 80% गया 20%, तो उस बास्केट में 20% मैंगोज है। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दी सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 114 पर गिवन है। क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड, इन फिगर्स के शेडेड पार्ट का परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखिए फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स। देखिए यहाँ पे फोर पार्ट्स हैं, फोर इक्वल पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, फोर। फोर पार्ट्स में से थ्री पार्ट्स शेडेड हैं, 1 2 3 पार्ट्स शेडेड हैं। तो शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4। अब परसेंट निकाल लेते हैं, परसेंट ऑफ शेडेड पार्ट्स इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25 3 75%, ठीक है। तो इस फिगर का 75% पार्ट शेडेड है, दिस इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे एक टेंग्राम गिवन है। टेंग्राम में 7 फ्लैट पॉलीगन्स होते हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 फ्लैट पॉलीगन्स है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है और ये वाला पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो हमें शेडेड पार्ट का सबसे पहले हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, देन उसके बाद परसेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला पार्ट शेडेड है, 1/4 इसका फ्रैक्शन है, एंड देन ये वाला पार्ट शेडेड है, इसका फ्रैक्शन है 1/8, ऐड कर दीजिए, एंड प्लस ये वाला पार्ट शेडेड है, इसका फ्रैक्शन है 1/8। एलसीएम होगा इसका 8, 4 2 8, 2 1 2, प्लस 8 1 8, 1 1 1, 8 1 8, 1 1 1, ठीक है। कितना आएगा, 4/8, इसको सिंप्लीफाई करना तो कितना आएगा, 1/2, ठीक है। तो इस फिगर का हाफ पार्ट शेडेड है, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो परसेंट ऑफ शेडेड पार्ट्स इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे, 2 1 2, 2 5 10 एंड 0, कितना आया, 50%, ठीक है। तो इस फिगर का 50% पार्ट शेडेड है, दिस इज द आंसर, नोट डाउन करिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन, यू कैन मेक सम मोर फिगर्स योरसेल्फ, आप अपने आप से कुछ और फिगर्स बना सकते हो, एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू एस्टिमेट द शेडेड पार्ट्स, और फिर अपने फ्रेंड से पूछिए कि शेडेड पार्ट्स का परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स बना दे रही हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसका ये पार्ट शेडेड है और ये वाला पार्ट शेडेड है,
तो आप अपने फ्रेंड से पूछना कि इसका कितना पार्ट शेडेड है या फिर कितना परसेंट इस फिगर का शेडेड है। एक और फिगर मैं बना दे रही हूं, ये देखिए, इसका ये वाला पार्ट शेडेड है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछना कि शेडेड पार्ट का परसेंट बताएं, ठीक है। एक और फिगर मैं बना रही हूं, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से पूछना कि शेडेड पार्ट का परसेंट बताएं, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हर एक फिगर्स में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इक्वली डिवाइडेड है, तो अगर आप लोग शेडेड पार्ट्स का परसेंट फाइंड कर लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं कर पाते हो देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, नोट डाउन। अब हम ट्राई दीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 115 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, आपको फाइंड करना है ए पार्ट 50% ऑफ 164। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50% परसेंट मीन्स 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 164। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 8 16, एंड 2 2 4, कितना आ गया 82। दिस इज द आंसर। बी पार्ट 75%, परसेंट मीन्स 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12। सिंप्लीफाई करिए, 2 5 10, 2 0 0, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, कैरी आया 1, बन गया 10, 2 5 10, ठीक है। 25 1 25, 25 3 75, 3 3 9, दिस इज द आंसर। सी पार्ट में है 12 होल 1/2% ऑफ 64। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 2 24 24 + 1 25/2% ऑफ 64 = 25/2% मीन्स होता है 1/100, तो यहाँ पे मैं 100 लिख रही हूँ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 64। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24, 2 1 2, 2 8 16, कितना आया 8। दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 8% चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। एक क्लास में 25 चिल्ड्रन है, उन 25 चिल्ड्रन में से 8% चिल्ड्रन को बारिश में भीगना पसंद है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, तो आपको बताना है कि कितने चिल्ड्रन को बारिश में भीगना पसंद है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हम वर्ड बेस्ड ही देंगे। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं क्लास में, 25, यहाँ पे लिखिए टोटल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास इज इक्वल्स टू 25, उन 25 चिल्ड्रन में से 8% चिल्ड्रन को बारिश में भीगना पसंद है, तो यहाँ पे लिखिए 8% चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, वेट इन द रेन। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे चिल्ड्रन है जिनको बारिश में भीगना पसंद है। सो चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, इन द रेन इज इक्वल्स टू 8% ऑफ 25। 25 का 8% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो 8% मीन्स 8/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25, 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 2 8, कितना आया 2। तो 2 चिल्ड्रन को बारिश में भीगना पसंद है, 25 चिल्ड्रन में से सिर्फ 2 चिल्ड्रन को बारिश में भीगना पसंद है। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी पेज नंबर 115 पर एक और ट्राई दीज गिवन है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर, किस नंबर का 25% करने पर 9 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर होगा x, लेट द नंबर बी x, ठीक है।
तो 25% ऑफ दैट नंबर ऑफ उस नंबर को मैंने माना x इज इक्वल्स टू 9. 25% परसेंट मीन्स होता है 1/100, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 100 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 25 इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा. 25 × 25, 25 × 4 = 100, 9 × 4 = 36. ठीक है, तो वो नंबर होगा 36 जिसका 25% 9 है. नाउ सेकेंड, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15? किस नंबर का 75% 15 होगा? तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है. लेट द नंबर बी x, ठीक है. सो 75% ऑफ दैट नंबर मीन्स x इज इक्वल्स टू 15. परसेंट मीन्स 1/100, तो 75/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 15. x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए. 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100. ठीक है, इधर है 15, ये इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में होगा और ये 3 इधर आएगा डिवाइड में होगा. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20. तो वो नंबर क्या होगा? 20. ठीक है, तो 20 का 75% जब आप करोगे तो आपको 15 मिलेगा. नोट डाउन कर लीजिए. अब हम ट्राई दीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 117 पर गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सोनू सो दैट दे गेट 20% एंड 80% ऑफ देम रेस्पेक्टिवली. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 स्वीट्स को आपको मनु और सोनू के बीच इस तरीके से डिवाइड करना है कि उनको स्वीट्स का 20% और 80% मिले रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमानुसार. मीन्स पहले मनु का नाम है तो ये मनु का परसेंट है, ठीक है, मनु को 20% स्वीट मिल रही है. और बाद में सोनू का नाम है तो ये सोनू का परसेंट है 80%, मीन्स 80% स्वीट सोनू को मिल रही है. तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन. ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी हम वर्ड बेस्ड ही देंगे. सबसे पहले देखिए टोटल स्वीट्स कितनी है, 15. टोटल स्वीट्स इज इक्वल्स टू 15. 20% स्वीट्स मनु को मिली है. किसका 20%? टोटल स्वीट्स का 20%. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मनु शेयर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल स्वीट्स इज इक्वल्स टू, परसेंट मीन्स होता है 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल स्वीट्स है 15. सिंप्लीफाई करिए, मनु का शेयर आ जाएगा 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 5, 5 × 3 = 15. कितना? 3. मीन्स 3 स्वीट्स मनु को मिली है. अब देखिए सोनू को कितनी स्वीट्स मिली है, 80%. किसका 80%? टोटल स्वीट्स का 80%. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सोनू शेयर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल्स टू 80% ऑफ टोटल स्वीट्स इज इक्वल्स टू 80/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल स्वीट्स है 15. सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 5 × 5, 5 × 3 = 15. कितना आ गया? 4 × 3 = 12. ठीक है, तो 12 स्वीट्स सोनू को मिली है. तो 15 स्वीट्स में से 3 स्वीट्स मनु को मिली है और 12 स्वीट्स सोनू को मिली है. आप यहां से भी फाइंड कर सकते थे. देखिए आपको यहाँ पे मनु का शेयर पता चल गया था 3 स्वीट्स मनु को मिली है और टोटल स्वीट्स है कितना? 15. तो अगर आपको सोनू का शेयर निकालना है तो आप 15 में से 3 माइनस करके भी निकाल सकते थे. कितना आएगा? 12. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल. ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो गिवन है 2:3:4. आपको हर एक एंगल की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ. ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का रेशियो यहाँ पे गिवन है 2:3:4. ठीक है, तो इसका पहला एंगल मैं मान ले रही हूँ 2x, दूसरा एंगल मान ले रही हूँ 3x और तीसरा एंगल मान ले रही हूं 4x. ठीक है, यहां लिखिए सॉल्यूशन
लेफ्ट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 2x, 3x एंड 4x. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है, तो मैं इन सबको ऐड करके 180 के बराबर कर रही हूं. 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 4, 3, 7, 7, 2, 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री अपॉन 9. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. कितना आ गया, 20 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू आया क्या, 20 डिग्री. अब चलिए ट्राइंगल के हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पहला एंगल है 2x. 2x इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू एक्स की जगह 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 22 जा 40 डिग्री. तो एक एंगल आ गया 40 डिग्री. दूसरा एंगल है 3x. 3x इज इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 20 डिग्री 23 जा 60 डिग्री. दूसरा एंगल आ गया 60 डिग्री. एंड थर्ड एंगल है 4x. सो 4 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. कैसे, इन सबका सम करिए, 180 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, 60 प्लस 40 100 100 प्लस 80 180 डिग्री. मीन्स आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. अब हम ट्राई दी सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 118 पर गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. आपको इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है. यहाँ पे दो सब पार्ट गिवन है, इसको मैं ए बोल रही हूँ और इसको मैं बी बोल रही हूँ. तो ए पार्ट में देखिए, प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम ₹280 to ₹210. शर्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही है. पहले शर्ट की प्राइस थी ₹280 और फिर शर्ट की प्राइस हो गई क्या, ₹210. तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा परसेंट निकलेगा, डिक्रीज परसेंट निकलेगा. तो ए पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ. सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है. ठीक है, सो डिक्रीज प्राइस इज इक्वल्स टू ₹280 minus ₹210 इज इक्वल्स टू ₹70. 70 रुपीज डिक्रीज हुआ है. सो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू होगा डिक्रीज्ड प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100% इज इक्वल्स टू डिक्रीज प्राइस कितना है, ₹70. इनिशियल प्राइस कितना था, ₹280. शर्ट की इनिशियल प्राइस थी ₹280, है ना, वही लिखा है. इंटू 100% इज इक्वल्स टू ₹ कैंसल, 0 से 0 कैंसल. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. तो कितना आ गया, 25%. दिस इज द आंसर. तो शर्ट की प्राइस 25% डिक्रीज हुई है. नोट डाउन करिए. नाउ बी पार्ट, मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30. एक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहा है. पहले मार्क्स था 20, अब मार्क्स हो गया 30. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, तो हम कौन सा परसेंटेज निकालेंगे, इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, बी पार्ट. तो सबसे पहले हम इंक्रीज मार्क्स निकालेंगे कि कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज्ड मार्क्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10. 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सो इंक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू
इंक्रीज्ड मार्क्स अपॉन इनिशियल मार्क्स, इनिशियल मार्क्स इनटू 100%। इंक्रीज मार्क्स कितना है 10, इनिशियल मार्क्स कितना था 20, पहले मार्क्स था 20 फिर 30 हुआ ना, तो इनिशियल मार्क्स है 20 इनटू 100%। सिंप्लीफाई करिए, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 0, 50%। ठीक है, तो 50% मार्क्स इंक्रीज हुआ है उस टेस्ट में। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, माय मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 a liter, इट इज ₹52 per liter टुडे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मेरी माँ कहती है कि उसके बचपन में पेट्रोल ₹1 लीटर था और आज पेट्रोल ₹52 लीटर है, तो बाय व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस गॉन अप। ये जो प्राइस गॉन अप हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कितना प्राइस गॉन अप हुआ है वो निकाल लीजिए। प्राइस गॉन अप इज इक्वल्स टू 52 में से ₹1 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा ₹51। 51 रुपीज इंक्रीज हुआ है ना प्राइस में, और इनिशियल प्राइस कितना है ₹1, तो यहाँ पे लिखिए इनिशियल प्राइस, पहले प्राइस कितना था ₹1। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ प्राइस गॉन अप इज इक्वल्स टू प्राइस गॉन अप अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100%। कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है 51, रुपीज 51 अपॉन इनिशियल प्राइस है ₹1 इनटू 100%। रुपीज से रुपीज कैंसिल, कितना आएगा 5100%। दिस इज द आंसर। तो पेट्रोल की प्राइस 5100% से इंक्रीज हुई है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दी सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 120 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। एक शॉपकीपर ने एक चेयर ₹375 में खरीदा और ₹400 में बेच दिया। फाइंड द गेन परसेंटेज, आपको गेन परसेंटेज फाइंड करना है। गेन मीन्स प्रॉफिट, ठीक है, तो चाहे आपको गेन लिख कर आए या फिर प्रॉफिट लिख के आए, दोनों का मतलब एक ही है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, जिस प्राइस पर खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ₹375, और जिस प्राइस पर बेचा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है ₹400। आपको गेन परसेंटेज फाइंड करना है, मीन्स प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है। ठीक है, और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस है ₹400 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹375 अपॉन कॉस्ट प्राइस है ₹375 इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 400 में से 375 गया, कितना बचेगा ₹25 अपॉन ₹375 इनटू 100। सिंप्लीफाई करते हैं, रुपीज से रुपीज कैंसिल, 5 से सिंप्लीफाई करिए, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, कैरी आया 2 बन गया 25, 5 × 5 = 25, फिर से 5 से 5 × 5, 5 × 5 = 5, कैरी आया 2 बन गया 25, 5 × 5 = 25, फिर से 5 से करते हैं 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 एंड 10, तो कितना आ गया आंसर 20/3। ये मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, 20 को 3 से डिवाइड करिए,
3 6 जा 18, रिमाइंडर आया 2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? क्यू आर अपॉन डी के फॉर्म में, ठीक है। क्यू मीन्स क्वेश्चन, आर मीन्स रिमाइंडर एंड डी मीन्स डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 6, देन उसके बाद रिमाइंडर है 2 एंड डिवाइजर है 3। आंसर क्या आएगा, 6 होल 2/3, 6 होल 2/3, ये आया आपका प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट। दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। एक आइटम का कॉस्ट प्राइस ₹50 है। इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%। इसको 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस गिवन है आइटम की ₹50, और क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट है 12, ठीक है। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ सेलिंग प्राइस ही अननोन क्वांटिटी हो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह लिख दीजिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी सिर्फ सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, सिर्फ सेलिंग प्राइस ही अननोन है। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट की जगह लिख दीजिए 12 इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस है ₹50 माइनस 1 इंटू 100। अब इस साइड सॉल्व करते हैं, 12 ये 100 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 12 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन ₹50 माइनस 1। सिंप्लीफाई करिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 0, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 3 अपॉन 25। ये माइनस का 1 इस साइड ले आइए, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन ₹50। अब एलसीएम लीजिए, 25 1 जा 25, 25 प्लस 3 28 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन ₹50। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 28 अपॉन 25, ये ₹50 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ₹50, ओके। सिंप्लीफाई करिए, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50 एंड 28 टू जा 8, टू जा 16, कैरी आया 1, 2 टू जा 4, 1 5। सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹56। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹250 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। एक आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर ₹250 में बेचा गया है, व्हाट वॉज इट्स कॉस्ट प्राइस, आपको इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, ₹250 में सोल्ड किया गया है मीन्स सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस है ₹250 एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है कितना, 5। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अननोन क्वांटिटी सिर्फ कॉस्ट प्राइस हो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह हम लोग लिख देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ पे है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, अननोन क्या है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
प्रॉफिट परसेंट है 5 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है ₹250 अपॉन कॉस्ट प्राइस निकालना है -1 इंटू 100। 100 को इस साइड ले आइए तो डिवाइड में हो जाएगा 5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ₹250 अपॉन कॉस्ट प्राइस -1। अब इधर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। इधर आ गया 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू ₹250 अपॉन कॉस्ट प्राइस -1। 1 अपॉन 20 ये -1 इस साइड आ जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू ₹250 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसको ऐड करते हैं, 20 1 जा 20, 20 plus 1 21 upon 20 इज इक्वल्स टू ₹250 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस को मैं इस साइड ले आ रही हूँ, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा ₹250, ये 20 इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 21 इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 250 इंटू 20 कितना होगा 25 2 50 ₹5000 अपॉन 21। ठीक है, 5000 को 21 से डिवाइड करिए, 21 2 42 कितना आया 8 बन गया 80, 21 3 63 कितना आया 17 10। अब 8 बार ले जाएंगे, 21 8 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगी। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, क्वोशेंट है कितना 238, रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 21, कितना हो जाएगा 238 होल रिमाइंडर है 2 अपॉन डिवाइजर है 21 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई रुपीज 238 होल 2 अपॉन 21, दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ लॉस ऑफ 5%। एक आइटम को 5% के लॉस पर ₹540 में बेचा गया, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। आपको इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, ₹540 में सोल्ड किया गया है, मीन्स सेलिंग प्राइस गिवन है ₹540 और लॉस परसेंट गिवन है कितना 5। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही अननोन हो। ठीक है, सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस की जगह हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1 आएगा माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए इस फॉर्मूले में लॉस परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस ही अननोन है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। लॉस परसेंट की जगह लिखिए 5 इज इक्वल टू 1 माइनस सेलिंग प्राइस है ₹540 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 को इस साइड ले आइए तो डिवाइड में हो जाएगा 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस ₹540 अपॉन कॉस्ट प्राइस। सिंप्लीफाई करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 20 आ रहा है, यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 माइनस ₹540 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस टर्म को मैं इस साइड ले आ रही हूँ, तो ये माइनस में है, ये टर्म इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा ₹540 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इधर 1 है और ये 1 अपॉन 20 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 20। इसको सॉल्व करते हैं, 21 जा 20, 20 में से 1 गया 19 अपॉन 20, इस साइड है ₹540 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा ₹540 इंटू 20 अपॉन 19।
540 को 20 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8 एंड 5 टू जा 10, दो जीरो और, ठीक है, रुपीज 10,800 अपॉन 19। अब 10,800 को 19 से डिवाइड करिए तो 19 5 95, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, ये बन गया 130। देन 19 6 जा 114, 10 में से 4 गया 6 एंड यहाँ बचा 2, 2 में से बन गया 1, ठीक है, एक जीरो और आ गया 160। अब 19 8 जा 152, 10 में से 2 गया 8, ये आ गया रिमाइंडर। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट है 568, रिमाइंडर है 8 और डिवाइजर है 19, तो कितना आ जाएगा आंसर, कोशेंट है 568, यहाँ पे रुपीज 568, रिमाइंडर है 8 अपॉन डिवाइजर है 19, तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 121 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम। 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट से। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ वन ईयर, एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है तो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है रुपीज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आर 5% पर एनम, टाइम गिवन है वन ईयर, टाइम है वन ईयर, आपको निकालना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मींस सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पी है रुपीज 10,000, आर है 5, टी है 1, ठीक है, अपॉन 100। सिंप्लीफाई करिए, दो जीरो से दो जीरो कट गया, रुपीज 5 1 500, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट क्या आया 500, दिस इज द आंसर। तो अगर आप 10,000 रुपीज 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट करते हो तो एक साल के एंड में आपको 500 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, नोट डाउन करिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रुपीज 3,500 इज गिवन एट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3,500 रुपीज 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है। सपोज आप 3,500 रुपीज बैंक को दे रहे हो या फिर बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ टू इयर्स, ठीक है, तो दो साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ये इतना रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है तो पी की वैल्यू है कितनी, रुपीज 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना 7% पर एनम, आपको दो साल बाद फाइंड करना है तो टाइम गिवन है कितना टू इयर्स, इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, दो साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा पी की वैल्यू है रुपीज 3,500, इंटू आर है 7% पर एनम, टाइम है टू इयर्स अपॉन 100। सिंप्लीफाई करते हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7 2 14, 35 को 14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 4 20, कैरी आया 2, 4 3 12, 12 2 14, 1 5 5, 1 3 3, 5 4 9 3 1 4, कितना आ गया रुपीज 490 इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आप 3,500 रुपीज 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हो तो आपको दो साल बाद रुपीज 490 का इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रुपीज 6,050 इज बोरोड एट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सपोज आप 6,050 रुपीज किसी से उधार ले रहे हो 6.5% पर
पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स। तो तीन साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ये फाइंड करना है और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पी की वैल्यू है कितनी, रुपीज 6050, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम क्या है, टाइम है थ्री इयर्स। आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट और फाइंड करना है अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करिए, पी की वैल्यू है रुपीज 6050, आर की वैल्यू है 6.5, टी की वैल्यू है 3 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 10 से 10 कैंसल, चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 605 इंटू 3। 5 3 15, कैरी आया 1, 3 0 0, 0 plus 1 1, 6 3 18, ठीक है, 18 15 और इंटू 6.5, 5 5 25, कैरी आया 2, 5 1 5, 5 2 7, 8 5 40, कैरी आया 4, 5 1 5, 5 4 9, 6 5 30, कैरी आया 3, 6 1 6, 6 3 9, 8 6 48, कैरी आया 4, 6 1 6, 6 4 10, ऐड करिए 5 7 9, 9 8 17, कैरी आया 1, ठीक है। और यहाँ पे वन प्लेस पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे भी वन प्लेस पहले डेसिमल हम लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, रुपीज 117997.5/10, ठीक है। अब ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड वन प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा रुपीज 1179.75। ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। आपको तीन साल बाद इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब चलिए अमाउंट फाइंड करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है पी प्लस इंटरेस्ट, मींस जो सम आपने बोरो किया है और प्लस इंटरेस्ट, तो हमें अमाउंट का पता चल जाएगा। पी है कितना, रुपीज 6050 एंड प्लस इंटरेस्ट कितना आया, रुपीज 1179.75। ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 0.75, 6050 में 1179 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 7 5 12, कैरी आया 1 2 6 1 7, 7229.75, ठीक है। तो अगर आप 6050 रुपीज उधार ले रहे हो 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको तीन साल बाद 7229.75 रुपीज पे करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रुपीज 7000 इज बोरोड एट 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बोरोड फॉर 2 इयर्स। अगर आप 7000 रुपीज उधार ले रहे हो किसी से 3.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो आपको सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। आप 7000 रुपीज बोरो कर रहे हो, ठीक है, तो सम है कितना, रुपीज 7000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 3.5% पर एनम, टाइम गिवन है कितना, 2 इयर्स। आपको फाइंड करना है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है जो सम आप बोरो कर रहे हो प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। दो साल में आपको जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसमें ऐड कर देना। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करते हैं, P की वैल्यू है रुपीज 7000, इंटू आर है 3.5 और टाइम है 2 इयर्स अपॉन 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, 3.5
इंटू 70, ठीक है, 70 इंटू 3.5 करते हैं पहले, 5 0 0, 7 5 35, ठीक है, देन उसके बाद 3 0 0, 7 3 21। यहाँ पे एक प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल है, तो यहाँ पे भी एक प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल लग जाएगा, कितना है 245 इंटू 2, 245 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 कैरी आया 1, 4 2 8 19, 2 2 4, 490, ये आ गया इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट, कि 2 साल बाद हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो पी प्लस आई, पी है रुपीज 7000 प्लस रुपीज 490, तो हो जाएगा रुपीज 7490, ठीक है। तो अगर आपने 7000 रुपीज उधार लिया है 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम से, तो आपको 2 साल बाद 7490 रुपीज पे करने पड़ेंगे, दिस इज द आंसर। अब हम ट्राई दी सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 122 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव रुपीज 2400 इन योर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5%। आपके अकाउंट में 2400 रुपीज है और इंटरेस्ट रेट 5% है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वुड यू अर्न रुपीज 240 एज इंटरेस्ट, कितने साल बाद आप 240 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न करोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, आपके अकाउंट में 2400 रुपीज है, मीन्स ये सम है, पी की वैल्यू है रुपीज 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आर 5%, और आपको इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू गिवन है रुपीज 240, आपको निकालना है टाइम के कितने साल बाद आप 240 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न करोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, आई की वैल्यू है रुपीज 240, यहाँ पे लिखिए 240 इज इक्वल टू, पी की वैल्यू है रुपीज 2400, आर की वैल्यू है 5, टी आपको फाइंड करना है अपॉन 100, सिंप्लीफाई करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, टी इज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 240 अपॉन 24 इंटू 5, 24 10 जा 240, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 years, ठीक है। तो 2 साल बाद आप 240 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न करोगे, दिस इज द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years इज रुपीज 450 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, किसी सर्टेन सम पर 3 साल बाद 450 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया गया है 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फाइंड द सम, तो आपको वो सम फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, आपको सम फाइंड करना है, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टाइम गिवन है 3 years, इंटरेस्ट गिवन है रुपीज 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना 5% पर एनम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज पुट करिए, यहाँ पे सिर्फ पी अननोन है, यहाँ से पी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो आई की वैल्यू है रुपीज 450 इज इक्वल्स टू, पी हमें निकालना है, आर की वैल्यू है 5, टी की वैल्यू है 3 years अपॉन 100, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0, सो पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा रुपीज 450 इंटू 20 अपॉन 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15 एंड 0, 150 इंटू 20 करना है, 15 2 30 और 2 0 और, ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया रुपीज 3000, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो सम कितना आया 3000 रुपीज, नोट डाउन कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।